मुरैना जिले के कृषि यूरिया खाद की किल्लत के चलते किसानों के सरसों और गेहूं की फसल बर्बाद हो रही है। पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं है। सब सोसाइटी ऊपर खाद का आवंटन नहीं किया गया है। कहां पर कितना खाद उपलब्ध है इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। किसान दर दर की ठोकरी खा रहे हैं। सुबह से शाम तक लाइनों में लगे हुए हैं, तब भी पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यही स्थिति आवारा पशुओं की बनी हुई है। किसानों की फसल को आवारा पशु बर्बाद कर रहे हैं। गौशालाओं के नाम पर लूट की जा रही है और गौशाला की खाली पड़ी हुई है। इसके विरोध में समुचित मात्रा में खाद उपलब्ध कराने, आवारा पशुओं को प्रबंध करने की मांग के लिए मध्य प्रदेश किसान सभा के नेतृत्व में किसानों ने तहसील कार्यालय पर 100 घंटे का धरना दिया और आज कृषि उपज मंडी समिति से रैली निकालकर तहसील कार्यालय पर गुजारों सत्याग्रह किया। इस मौके पर हुई किसानों की सभा का मध्य प्रदेश विधानसभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक तिवारी, वरिष्ठ किसान नेता जिला उपाध्यक्ष जयराम सिंह धाकर, तहसील उपाध्यक्ष ओम प्रकाश श्रीवास ने संबोधित किया। नायब तहसीलदार शिवम उपाध्याय को किसान सभा की ओर से ज्ञापन दिया गया। उन्होंने किसानों की समस्याओं का निराकरण करने के आवारा पशुओं की व्यवस्था करने संबंधी समय पर आश्वासन किसानों को दिया है। किसान सभा के नेताओं ने ज्ञापन के एक प्रति मुख्यमंत्री, कलेक्टर एवं अन्य विभागीय अधिकारी महोदय को भी भेजी है। इस कार्रवाई का नेतृत्व किसान एवं नेता आदि ने किया। किसान नेताओं ने समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आगामी दिनों में आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी है। मुरैना से गौरव गौड़ की यह रिपोर्ट।